दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है बटरफ्लाई का रैपिड आईवी नॉनस्टिक स्टिक कुकवेयर। दोस्तों, ये सेट में आता है। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो आपको इसमें देखने को मिलता है वो ग्लास लीड है। इसका हैंडल है, स्टील की फ्रेमिंग दी गई है। इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी हैवी है बहुत। दोस्तों, जो सेकंड चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है वो है कढ़ाई। इसका वारंटी कार्ड भी इसमें दिया गया है, 1 ईयर वारंटी के साथ ही आता है। नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। एक असेंबली इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें। दोस्तों, जो थिकनेस है इसका वो 3 mm है। इंडक्शन बॉटम के साथ आता है। 24 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है। नीचे में बटरफ्लाई का लोगो है। पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। नॉनस्टिक का इसमें कोटिंग है। दोस्तों, जो थर्ड आइटम है वो है फ्राइंग पैन। थिकनेस इसका भी 3 mm है और चौड़ाई भी इसका 24 सेंटीमीटर है। इंडक्शन बॉटम के साथ ये आता है। पेंट क्वालिटी अच्छी है इसकी भी। हैंडल भी टाइट है इसके। टॉप में नॉनस्टिक कोटिंग है इसमें। बैक में बटरफ्लाई का लोगो है। दोस्तों, जो फोर्थ आइटम आपको इसमें देखने को मिलेगा वो है तावा। तावा की भी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, थिकनेस 3 mm है। टॉप में नॉनस्टिक कोटिंग है, बैक में इंडक्शन के लिए दिए गए हैं। आप इसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट गैस में भी यूज़ कर सकते हैं और इंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे में बटरफ्लाई का लोगो है और इसका टॉप है। और जो इसमें आइटम दिया गया है वो है इसका हैंडल, जो कि आपको इसमें लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वालिटी का इसमें हैंडल दिया गया है। इसका आप शेप देख सकते हैं, लुक वाइज भी अच्छा है और प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छा है। हाई हीट प्लास्टिक होता है ये, जो कि गर्म करने पे भी ख़राब नहीं होता। ये दोनों तावा और फ्राई पैन के हैं और ये कढ़ाई के लिए है। कुछ इस तरीके से अगल बगल में इसके फिट हो जाएगा। आपको इसको लगाने के लिए स्क्रू को पहले ढीला करके खोल लेना है। कोई भी एक हैंडल लेना है, उसको इसमें डाल के नट से टाइट कर देना है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से लग जाता है। बहुत अच्छा एंगल इसका दिया गया है, आसानी से कुछ भी सामान को आप उठा सकते हैं इसमें। हैंडल क्वालिटी, ग्रिप बहुत अच्छी है।
इंडक्शन बॉटम के साथ आते हैं। दोस्तों तो ये था प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरीके का प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आता रहूँगा।